खबर बदायूं से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की उपस्थिति में एसबीआई मुख्य प्रबंधक ने मृतक हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम की पत्नी को 40 लाख रुपए का चेक सौंपा। दिनांक 21 जनवरी को पुलिस लाइन बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की उपस्थिति में एसबीआई मुख्य शाखा बदायूं द्वारा नवंबर 2021 में कुंवरगांव के पास हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसमें उसकी नॉमिनी सीमा भी को रुपए 40 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर बदायूं एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार सिंह, मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक पीपी सिंह व एसपी ग्रामीण राम मोहन सिंह, सिटी एसपी अमित कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उजानी शक्ति सिंह एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता नाजिर खान। उनको घर जाते वक्त कुंवरगांव के पास में मोटरसाइकिल से दो आदमी के साथ में थे, वो एक्सीडेंट हो गया था, उसमें डेथ हो गया। मैं यहाँ जून में ज्वाइन किया हूँ मेन शाखा में, तो मुझे पता चला कि इनका ऐसे ऐसे क्लेम पुराना है, जो उसकी स्टेटस मुझे मालूम नहीं था, पता चला तो मैंने प्रोसीड किया इसको। दिसंबर में हमने 23 दिसंबर को इसको फाइनली जो है ना उसको लॉन्च किया था एक्सीडेंट को। ये करीब 15-20 दिन में हमारे हाथ में चेक आए, तो 40 लाख का चेक है। उस टाइम बैंक 40 लाख रुपये इस क्लेम में सेटल के लिए था, उसमें प्रोसीजर वो एमयू जो आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ है, अभी भी एसबीआई के साथ जो पुराने थे उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जबकि उसको अमाउंट को डबल कर दिया है, बीओबी से ज्यादा किया है। अभी टोटल मिला करके एसबीआई लगभग 1.5 करोड़ रुपया सारे फंड दिए, जिसमें सिंगल एक्सीडेंटल में 75 लाख। इसके अलावा एक बेनिफिट और है आपके, अगर सैलरी अकाउंट के लिए तो आई है।